नमस्कार, मैं बनवारीलाल कुशवाहा और आप देख रहे हैं C20 न्यूज। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। तना हुआ सीना, मुट्ठी बंधी हुई कदम से कदम, ताल और एक हाथ में तिरंगा लेकर चलते नगर के गणमान्य नागरिक और पुलिस अधिकारी। अनुशासन ऐसा ही आप देखते ही रह जाएं। जी हां, फिरोजाबाद जिले के शुकवाबाद शहर में पुलिस अधिकारियों एवं नगर के गणमान्य नागरिकों द्वारा तिरंगा रैली निकाली तो शहर में लोग देखने के लिए सड़कों पर रुक गए। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत मेरी माटी मेरा देश एवं हर घर तिरंगा अभियान कार्यक्रम के क्रम में सोमवार नगर के गणमान्य नागरिक एवं कई थानों की पुलिस ने तिरंगा रैली निकाली। तहसील से तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया गया, जो दोनों बाजारों से होती हुई राष्ट्रगान की धुन के बाद तिरंगा यात्रा का समापन किया गया। इस दौरान SP ग्रामीण रणविजय सिंह ने कहा कि 15 अगस्त पर अपने अपने घर पर तिरंगा जरूर लगाएं। इस अवसर पर SP ग्रामीण रणविजय सिंह के अलावा SDM विवेक मिश्रा, CO देवेंद्र कुमार, थाना प्रभारी हरविंद्र मिश्रा, चेयरमैन प्रतिनिधि राजीव गुप्ता, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विजय प्रताप सिंह उर्फ छोटू, भाजपा नगर अध्यक्ष विशाल गुप्ता, डॉक्टर प्रवीण कुमार, डॉक्टर RB पांडे, NCC कैडेट एवं व्यापार मंडल एवं नगर के महिला पुरुष बच्चे बुजुर्ग एवं नगर के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। तो देखते रहिए C20 न्यूज। देखिए, 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम लोगों ने आज कस्बा शिकोहाबाद और आसपास के क्षेत्रों में तिरंगा यात्रा निकाली। इसमें हमारे शिकोहाबाद थाने, आसपास के और थाने के सभी पुलिसकर्मी साथी सभी ने शिरकत की। साथ ही साथ आसपास के क्षेत्रों के शिकोहाबाद कस्बे के सभी सम्मानित नागरिकगण सब लोगों ने शिरकत की। भाई बहन सब लोग इसमें शामिल थे, हमारे वेटरन्स, हमारे जो धार्मिक गुरु, सब लोगों ने इसमें शिरकत करके आज हम लोगों ने इस यात्रा के माध्यम से अपने देश की संस्कृति, अपने देश की जो हमारी हमारे कुर्बान शहीद हैं, उन लोगों के शहीदों का जो मूल्य है, इस सब के बारे में हम लोगों ने एक मैसेज दिया। और जिस तरह का उत्साह आज देखने को मिला, ऐसा लगता है कि हमारे सभी लोग, हमारा पूरा देश, कण कण सभी लोग, जो हमारी भारत, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो देश भावना है, हमारा जो देश प्रेम है, उससे ओतप्रोत हैं। और यही एक हम लोगों का उद्देश्य था, मेरी माटी मेरा देश के संकल्प के साथ हम सब लोग अपने भारत को और भी आगे बढ़ाएंगे। हम सब लोग एक साथ मिलकर और एक साथ एक दूसरे का हाथ थामते हुए अपनी संस्कृति को, अपने मूल्यों को समझते हुए इस भारतवर्ष को आगे लेके जाएंगे। और आज इस अवसर पर मैं पुनः सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, अग्रिम स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूँ। पर मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह का हमारा एक हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, हमारी जो मिट्टी में खुशबू है, हमारे भारतीयता की खुशबू है, उसको हम सब लोग समझें। हमारे बच्चों तक, घर घर तक देश प्रेम की भावना आगे डेवलप हो और हम सब लोग इस देश में आपस में मिलकर देश को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। धन्यवाद। आज एक पुलिस प्रशासन के द्वारा तिरंगा रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री हमारे पुलिस मुलाकात थी, उनके द्वारा संकल्प आयोजन किया गया। हम सब ने मिल करके एक बहुत अच्छी तिरंगा यात्रा, जिसमें समाज के सभी वर्ग सभी प्रकार के सम्मिलित थे, बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में एक अच्छी यात्रा निकाली गई है, जिससे जो है हमारे देश में जागृति है राष्ट्रपति, उसमें बहुत उत्साह आया है। बच्चों ने, NCC के कैडेट्स ने और जन सामान्य ने बहुत जोश के साथ इसमें भाग लिया। न सरकार मेरी है, न रॉब मेरा है, ना ही बड़ा सा नाम मेरा है, मुझे तो एक छोटी सी बात का गर्व है। मैं हिंदुस्तान का हूँ और हिंदुस्तान मेरा है। सभी क्षेत्रवासी व प्रदेशवासी व देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। आपका अपना अमन यादव, शिकोहाबाद अमनपुरम से। जय हिंद, जय भारत।